अस्सलामुअलैकुम कहते हैं सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। जहाँ भी रहे खुश रहे, बात रहे, बीमार को सेहत दे, बेरोजगार को रोजगार दे, बेवलाद को बुलाते। सुबह के बज रहे हैं 8, तो अब मैं जा रही हूँ अपनी छोटी बहन के घर। मेरी प्यारी प्यारी की कोई छोटी बहन है, मैं उसके घर जा रही हूँ और वहाँ जाकर बताऊँगी। चलो चलते हैं आप। चलो मियाँ जी। जाना था, मैं पहुंच गई हूँ। मैंने कॉल की है, वो हमें लेने आ रहे। अल्हम्दुलिल्लाह हम उनके सिस्टर के घर आए हैं, हम उनके घर पहुंच गए हैं। हम उनको फ्लैट दिखाते हैं और ये सब्जियां दिखाते हैं। देखो कितनी हरियाली है, आंखों में ठंडक पहुंचाती है ये हरियाली। माशाल्लाह इनका घर है। क्या हाल है? ठीक है, ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र जी। कोई तकलीफ तो नहीं है? कोई तकलीफ नहीं हुई है, बहुत आसानी से आ गए हैं माशाल्लाह से। जो है हमारे घर आए, हमें बहुत ज्यादा खुशी हुई है। लेकिन ये सारी बातें जो है यहीं पे खड़े होकर नहीं करेंगे, बल्कि चलते हैं। आओ। ठीक ठाक है। हाँ जी, क्योंकि हमें तो धूप पे आदत है ना, हम लोग तो बैठते रहते हैं धूप पे। जो सिटी में लोग रहते हैं ना, वो ज्यादा धूप पे अपनी स्किन जो है वो धूप पे नहीं लेकर जाते, अवॉइड करते हैं। हमारी स्किन ना खराब हो जाए, हमारी जो स्किन है वो तो फिर डीट हो चुकी है। नहीं जी, हम भी कपड़े धोते हैं, फिरते हैं, खाना पकाना धूप में ही करते हैं, कोई मसला नहीं है इतना। हाँ जी, तो माशाल्लाह से कैसा लगे अभी आपको यहाँ पे हमारे पास आके? कोई मसला नहीं हो, कोई तकलीफ नहीं, आसानी से पहुंच गए हैं माशाल्लाह। देखें ये भी बैठी हैं, मेरी बेटी है, ये भी बेटी है, मेरी बेटियाँ बैठी हैं। अल्लाह ताला इनको खुशियाँ दे, अल्लाह इनके चैनल को कामयाब करे और अल्लाह ताला ये खुश रहे। हाँ जी, आप इतना सफ़र करके हमारे पास चल के आई हैं, तो अल्लाह पाक आपको भी कामयाब करे इंशाल्लाह। क्योंकि हमने ये चीज़ हमने देखी है, हमने भी जब चैनल स्टार्ट किया था तो हमने भी इस पे काफी सारे जो है मेहनत की है, काफी धक्के खाए, बहुत दूर दूर तक हमें सफर करना पड़ा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं जी, अगर इंसान मेहनत करे ना तो अल्लाह पाक जरूर कामयाबी देते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह तो अगर आप चैनल नहीं देखते हैं तो अभी फिर से देख लें और सब्सक्राइब भी कर लें। तो जो आंटी जी का चैनल है उनको आप पहले भी कुछ देख रहे हैं, और अगर नहीं दिखते तो मैं आप लोगों को कहूँगी कि आप इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, इनकी वीडियो को लाइक और शेयर करें, उनकी फुल सपोर्ट करें, ताकि इनका चैनल जो है वो दिन ब दिन ग्रो करता है। पानी भी पिला दें आप साथ में। हाँ जी, तो पानी पिला देते हैं। पानी पिलाने से पहले हरा भरा हो जाए, ये काम जो है ना ये ज़्यादा ज़रूरी था। ये काम भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल जो यूट्यूबर्स हैं उनके लिए पानी रोटी से पहले ये काम होता है, क्योंकि यही असल में हमारी जो पानी और रोटी होती है ना वो यही होती है, क्योंकि हमें पानी और रोटी भी इसी से ही मिलती है। ये बना रही है चिकन, माशाल्लाह बुनाई हो गई है। हाँ जी, बुनाई होगी तो अभी पानी डाल दिया है। ये देखें जी माशाल्लाह, अभी अल्हम्दुलिल्लाह पक गया, तैयार होने वाला है। हाँ जी, तो माशाल्लाह से हमने इनके लिए जो है देसी मुर्गा घर का जो है तैयार किया है, जैसे कि हम लोग अक्सर पहले भी तैयार करते रहते हैं। तो वैसे तो मैंने मेहमानों के लिए मिलती देसी है। हाँ जी, यहाँ पर तो कमी मिलता है, यहाँ पे देसी अंडे भी मिल जाते हैं, देसी अंडे। हाँ जी, तो क्योंकि यहाँ पे गांव में जो है रिक्शे इतने ज्यादा नहीं चलते हैं, इसलिए फिर हमने कहा कि आप गाड़ी से जो है रिक्शा कर लेते हैं। वैसे भी बंदा बाईस तरीके से ये जो है आप लोग हमारे घर पहुँचे, लेकर आए हो, मेहरबानी है। आप लोग बहुत अच्छी हैं जी, हमारे लिए बहुत अच्छी। नहीं कोई बात नहीं, ये तो हमें भी बहुत अच्छा लगा है। जब भी हमारे घर कोई भी मेहमान आते हैं हमें बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, हमारी खुशी होती है जी। इन्होंने इतना इंतजाम कर दिया, मना करते करते फिर भी इन्होंने इतना तकल्लुफ किया, इनकी मेहरबानी है जी, बहुत बहुत शुक्रिया इन लोगों का जो हमें बुलाया और हमें इतनी इज्जत दी है।
फिर आओ आप मेरे पास आओ, ये आप तो देखते होंगे मोहम्मद सुभान हैप्पी डिवाइन फैमिली में आता है, ये डिवाइन फैमिली में आता है माशाल्लाह, कितना क्यूट बच्चा है, कितना प्यारे प्यारे बच्चे है, ये देखे इंशाल्लाह अल्लाह हमें भी देगा ऐसे बच्चे। करना तो आंटी जी भी उनको रोटी तंदूर की रोटी खाने का बहुत ज्यादा शौक है, इसलिए आज स्पेशली उनके लिए हमने तंदूर दिलाया, वे कह रही है मैं खुद भी रोटी लगा रहा हूँ, अभी माशाल्लाह इनकी इतने नाजुक हाथ है, अभी हम इनसे रोटी नहीं लगवाएंगे, मैं लगाऊंगी। अच्छा? आप नहीं लगवाओगे तो मैं लगाऊंगी, रोटी मैंने बना ली, आप मेरे हाथ से रोटी खाना। ठीक हो गया, चलो ठीक हो गया, आज मेहमानों से मेरे जो है हम तो मेज़बान बना देते हैं। ठीक है जी, अभी तो हमने बस इसमें लकड़ियाँ डाली हैं, अभी इस जो है ये ब्लैक है, जब इसका कलर क्या वो रेड हो जाएगा तो फिर हम आग भी जब कम हो जाएगी फिर तंदूरी की हालत, तंदूरी की हालत थोड़ी सी खस्ता हुई है क्योंकि गर्मियों में रोटियां लगाते थे, फिर सर्दी आ गई, फिर इसको छोड़ दिया, अभी इंशाल्लाह इसकी रिपेयरिंग करेंगे, ऑपरेशन होने वाला है जी, वो तो आपने कहा इसलिए मैंने कहा मैं आपको तंदूरी की रोटी खिला दी। माशाल्लाह तंदूर मैंने गरम कर लिया, देखो खूब खूब रेड हो चुका है ये, और सिस्टर मेरी आटा लेके आ रही हैं और हम भी रोटियां पकाएंगे और आपको दिखाएंगे फुल देहाती माहौल। हाँ जी माशाल्लाह से जो है तंदूर वाइट हो गया। हाँ जी हो गया, तो अभी हम लोग रोटियां लगाएंगे। वाइट नहीं हुआ, सुरख हुआ। हाँ सुरख वही वाइट या सुरख माशाल्लाह से हाँ जी, तो आपने भी हमारे चैनल का जो है जरूर विजिट करना है, हैप्पी जॉइंट फैमिली, तो इस पे आपको बहुत ही अच्छी अच्छी विलेज जो है लाइफ की वीडियोस मिलेगी, तो इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी, पहले इनकी सपोर्ट करें और उसके बाद हमारे चैनल का विजिट करें। देखते हैं जी आज रोटियां कैसी पकती हैं, ये भी इन्होंने ही लगाई है माशाल्लाह से, बहुत ही अच्छी बनी है, पहले वाली रोटी हमारी जल गई है तो चलो कोई नहीं, दूसरी अच्छी बनेगी, कुछ जलाएंगे और कुछ बनाएंगे। वो आर्जेंटी ना काफी दिनों के बाद रोटी लगा रही है, तकरीबन एक अरसा हो गया है, 20-25 साल तो हो गए होंगे, अभी देखना लगी है रोटी। हाँ जी लग गई, और जब घर का गंदम खाली से गंदम का आता है। हाँ जी बिल्कुल, वो नहीं है जो बीच में कोई मिलावट हो या गंदगी। तो माशाल्लाह से हम लोग जो गांव के लोग हैं ना, हम खुद भी सादा है और हमारी जो गिजाएं हैं वो भी सादा सी होती हैं, बस घर की होती हैं, कोई मिलावट नहीं होती, अपने हाथ से रोटियां लगाई हैं। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारा खाना आ गया, ये देखें जी खुद ही रोटियां बनाई हैं और खुद ही खा रहे हैं, ये देखें जिसने जिसने हमारे साथ आकर खाना वो खा। हाँ जी, तो माशाल्लाह से काफी दिनों के बाद इनकी ख्वाहिश भी ये पूरी हो गई है तंदूर की, यहाँ पर और कोई ख्वाहिश हम पूरी करें ना करें ये तो कर सकते हैं, छोटी सी फरमाइश थी इनकी तंदूर की रोटी की। बहुत अच्छे हैं, अल्लाह ताला इनको रोजी रिज़क दे, अल्लाह इनको खुश रखे। सुभान को ना मैं वीडियो में देखती थी, ये रोता था इधर उधर ऐसे गिरता था, आज मैंने अक्ल देख ली है। आज जो है ना इनकी दादू नहीं है ना, तो फिर दादू वाली जगह मैंने ले ली है, तो आज अभी जो है सेकंड टाइम हो गया माशाल्लाह से, बस बातें करते करते पता ही नहीं चला, खाना खाने के बाद अभी बातें ही करते रहे, तो अभी आंटी ने कहा है कि आप ना मुझे अपना जो है सिल्वर प्ले बजाना हमारा है माशाल्लाह से, इंशाल्लाह जल्दी आंटी जो है वो भी कामयाब होंगी, तो अगर बात उनको भी जल्दी इनका भी सिल्वर प्ले बटन आएगा, तो मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ जी दिखाए, तो ये आज की हमारी एक स्पेशल डिश हमारा सिल्वर प्ले बटन, ये डिश की तरह ही है जैसे बंदा पिज्जा ऑर्डर करता है ऐसे ही। आंटी देखना चाहती थी कि सिल्वर प्ले बटन वैसे वीडियो में तो देखती हैं उसके रियल में कैसे होता है, मैंने असल भी देख लिया है, और आपको भी कामयाब करे इंशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और आपको ये एक समझ लें एक अवार्ड होता है, वही बंदा कामयाब हो गया, जैसे अभी हम एग्जाम कोई देते हैं तो पास करते हैं उसको, तो उसके बाद हमें एक सनद मिलती है, तो ये भी इसी तरह ही है, इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह, तो आप इनकी अगर फुल सपोर्ट करें तो वो जल्दी आंटी भी ले सकती हैं ये अवार्ड, क्योंकि ये अवार्ड आपने ही देना है। हाँ।
अल्लाह ताला मुझे भी दिलवाए, आप मुझे भी सपोर्ट करें। हाँ जी इंशाल्लाह। आंटी की बहुत ही ज्यादा ख्वाहिश है, तो आपने उनकी ये ख्वाहिश जरूर पूरी करनी है और उनके चैनल को फुल सपोर्ट करनी है। तो जो आज की आंटी की वीडियो है उसका एंड हम करते हैं यहाँ पे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट हम इनको अपना गांव जो है वो भी घुमाएंगे, ये सिटी से आए हैं, थोड़ा इनका माइंड जो है वो फ्रेश करेंगे। तो इंशाल्लाह इनकी नेक्स्ट वीडियो भी बहुत ही ज़बरदस्त होगी। तो आज की वीडियो बस वो यहीं तक थी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए दुआ में याद रखिए और अपना ढेर सारा ख्याल रखिए और आंटी को फुल सपोर्ट करते रहिए जी। अल्लाह हाफिज़।